अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, मैं हूं इमरान सादिक और आप देख रहे हैं सैन अली टीवी। दोस्तों आज हम बात करेंगे, ये चाइना का टीवी है जैसा कि आप देख सकते हैं। तो इसका जो मेन्यू सर्विस मेन्यू कोड है, जो इसकी फैक्ट्री सेटिंग है, वो किस तरह ओपन कर सकते हैं। जैसा कि आप देख सकते हैं मैंने ऑलरेडी इसको ओपन किया हुआ है। तो इसका फ़ायदा क्या है और नुकसान क्या है कि इसको ओपन क्यों करते हैं, सबसे पहले हम ये बात करेंगे। तो फ़र्ज़ करें अगर आपकी स्क्रीन की जो वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल साइड है वो कम हो जाती है, मसलन अगर वर्टिकल जो है वो हॉरिजॉन्टल साइड यहाँ पे, यहाँ से ब्लैक स्क्रीन और यहाँ पे ब्लैक स्क्रीन, या ऊपर से या नीचे ब्लैक स्क्रीन हो जाती है, तो फिर इसकी ज़रूरत पड़ती है। ठीक है, तो यहाँ पे वी साइज़ आपके सामने लिखा हुआ है, वी साइज़ को हम चेंज कर सकते हैं। वी साइज़ कम और ज़्यादा करके इसकी जो स्क्रीन है वो पूरी कर सकते हैं। इसके अलावा सबसे ज़्यादा ज़रूरत इसकी तब पड़ती है जब इसका जो, अगर फर्ज करें अभी ये ऑडियो वीडियो मोड में है, जब हम इसकी आरएफ जो केबल लगाएंगे, तो जब हमारे चैनल आते हैं तो उसमें चैनल आते हैं तो उसमें होता ये है कि वहाँ पे, जैसा कि मैं आपको दिखा दूँ मेन्यू को ओपन, वहाँ पर होता ये है कि साउंड नहीं आती। समटाइम ऐसा भी होता है कि आवाज़ नहीं आती, सिर्फ उसकी शगाट आती रहती है, यानी कि आवाज़ नहीं आएगी। तो उसके लिए ये हल है, इसका मैं आपको ये अभी ऑडियो वीडियो इसके आरएफ मोड में आ गया। ठीक है, तो आरएफ मोड में यहाँ पे मेन्यू मैंने ओपन किया। मेन्यू ओपन करने के बाद मैं आपको दिखा दूँ, यहाँ पे आप देख सकते हैं साउंड सिस्टम जो है वो साउंड में लिखा हुआ है 6.5। तो जब हम इसको चेंज करेंगे तो यहाँ पर 6.0 हो गया। अब दोबारा इसको चेंज करते हैं तो ये 6.5, यानी कि इसके दो ऑप्शन आ रहे हैं। तो यहाँ पर इसकी आवाज़ बिल्कुल भी नहीं आएगी। यहाँ पे आवाज़ तब आएगी जब 5.5 होगा, तो इसकी आवाज़ आएगी। तो उसके लिए हमें सर्विस मेन्यू जो है वो ज़रूर ओपन करना पड़ता है। तो सर्विस मेन्यू ओपन करेंगे तो जब वहाँ पे जाके इसको इसकी सेटिंग करते हैं, तो यहाँ पे वी साइज़ आ गया। जब हम इसको सबसे पहले वी साइज़ लाने के बाद हम इसके इसका सर्विस मेन्यू को, ये कॉल का ऑप्शन बटन है, इसको प्रेस करेंगे। तो जब कॉल का बटन प्रेस करते हैं तो सबसे ऊपर वाला हिस्से में आता है 0 लिखा हुआ, आप देख सकते हैं सेटअप सेलेक्ट। तो यहाँ पे हमें सबसे पहले एक लेके आना है। जब एक लेके आएंगे तो फिर हमारे जो ऊपर एडजस्ट मेन्यू तीन ऑप्शन है, तो फिर यहाँ पे ऑप्शन तकरीबन 16-20 के लगभग ऑप्शन आ जाते हैं। ये सी मेन्यू को ओपन करने के 20 के लगभग ऑप्शन आते हैं। तो हम इसको चेंज करते हैं, ये एक हो गया। तो अब हम इसके, आप देख सकते हैं 2-3 और यहाँ पे 0 और ये 20 के ऑप्शन इसके आते हैं मेन्यू के। तो यहाँ पे इसके कलर आ जाते हैं, कलर ग्रीन है, वाइट है, आप जिस सेट करना चाहते हैं सेट कर सकते हैं। जो भी सेटिंग है इसकी यहाँ पे आपको नज़र आएगी। ठीक है, तो आप इसकी लेफ़्ट और साइड जो ब्लैक होती है वो भी आप सेट कर सकते हैं। इसके अलावा जो मेन चीज़ मैं आपको दिखाने लगा हूँ वो कौन सी है, तो ये इसका मेन्यू जो है, मेन्यू अगर आप अपीयर करना चाहते हैं, मेन्यू किस तरह रखना चाहते हैं वो भी आप यहाँ पे देख सकते हैं। कलर के ऑप्शन है, लोगो इसका जो है वो आप यहाँ पे सेट कर सकते हैं। इसके अलावा जो मेन चीज़ मैं आपको दिखाने लगा हूँ वो कौन सी है, ये इसके सीकम और पाल का ऑप्शन भी यहाँ पे है, NTS। ठीक है, 3.58 N4.43। ठीक है, ऑप्शन है इसका एक एक है, दोनों ऑप्शन है। तो यहाँ पे पाल पे 0 है, यहाँ पे भी 0 है। ठीक है, तो इसके अलावा जब हम ये साउंड का ऑप्शन आ गया, ठीक है, यहाँ पे जब हम साउंड के ऑप्शन पर आते हैं, 5.5 ऑप्शन जो है वो 0 है, ये बंद है ये ऑप्शन, यानी कि जब यहाँ पे 0 होगा तो ये अपीयर नहीं होगा। मेन्यू में हम जाएंगे तो ये अपीयर नहीं होगा, वहाँ पर ये ऑप्शन नहीं आएगा, 4.5 भी नहीं आएगा, 4.4 भी नहीं आएगा। तो जब हम इसको ये नीचे लेके आते हैं, मैं आपको दिखा देता हूँ, यहाँ पे आने के बाद हम इसको चेंज करेंगे, एक हो गया। अब ये हम मेन्यू को ओपन करेंगे तो इसका जो साउंड सिस्टम है वहाँ पे ये अपीयर 5.5 जो अपीयर हो जाएगा। ठीक है, अगर यहाँ पे इनको बंद करना चाहते हैं नीचे वाले को, तो यहाँ पे 0 ला देंगे, तो 0 आएगा तो ये इसका पॉइंट जो वो बंद हो जाएगा। तो जब हम इसको, मसलन मैं आपको दिखा देता हूँ दोबारा बैक आके, इसके अलावा एक और ऑप्शन है आरएफ एजीसी का, जो मेन चीज़ इसके भी बहुत ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है, आरएफ एजीसी बत्ती। तो यहाँ पे कोशिश करें इसकी आरएफ एजीसी जो है वो 16 पे होनी चाहिए। ठीक है, समटाइम ऐसा होता है कि जब ज़्यादा हो जाती है तो शायद हो सकता है 16-17 के लगभग, 15-16-17 के लगभग होगी तो आपकी जो
तस्वीर है वो बिल्कुल ठीक होगी। अगर इससे ज़्यादा हो गई तो या कम हो गई 10 के लगभग या 16 18 20 के लगभग, तो आपकी शायद हो सकता है तस्वीर जो है वो ठीक तरह से ना आए। तो यहाँ पे आप इसकी RFAGC की जो सिलेक्ट है वो पिक कर सकते हैं। आगे इनपुट लेवल है वो भी आप देख सकते हैं। सारी की सारी सेटिंग आपको यहाँ पे सर्विस मेन्यू कोड में ओपन करके मिलेगी। तो ये इसके आप देख सकते हैं काफ़ी सारे फंक्शन हैं, ऑप्शन हैं जो आप यहाँ पे ये वर्टिकल साइड है, ठीक है, ये 20 फिर शुरू हो गया। तो मैं आपको ओपन करके इसको ख़त्म करके दिखाता हूँ कि हमने मेन्यू मैंने ओपन किया दोबारा से। ये जब हम साउंड सिस्टम में आते हैं तो ये आप देख सकते हैं 6.5 है, तो जब इसको चेंज करते हैं तो 5.5 आ गया। अब यहाँ पे इसकी आवाज़ बिल्कुल ठीक तरह से आएगी। अगर ये 5.5 जब तक नहीं आएगा, यहाँ पे आवाज़ आपकी ठीक नहीं आएगी, सिर्फ शोर आएगा ना आपको, लेकिन आवाज़ नहीं आएगी। इस तरह इसलिए सर्विस मेन्यू की यहाँ पे ज़रूरत पड़ती है। किसी भी TV की हो, LCD हो, सर्विस मेन्यू जो है इस में काफ़ी सारे ऑप्शन हैं जो हम चेंज कर सकते हैं, जो हम सेटिंग खुद से कर सकते हैं, ठीक है। अगर इसका लोगो आपने अपीयर करना है, लोगो को हैडन करना है, तो हम यहाँ से कर सकते हैं।